है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। जितने भी तीर्थंकर होते हैं, जितने भी चक्रवर्ती होते हैं और जो 63 सदाका पुरुष होते हैं, उन्होंने अपने जीवन में कभी भी दुकान नहीं खोली। सुन रहे हो? दुकान वाले तो अपनी मतलब की बात अच्छे ढंग से सुन लेते। सुनो, एक एक पाई के लिए उठक बैठक करने वाले बनिया होते हैं और अपने हाथ से उस पैसे को चांदी सोंदे को जो छूते तक नहीं, वो कहलाते छत्री। और फिर भी उनके घर में इतनी संपदा है, इतना संपदा है, तो कहाँ पूर्व जन्म से कहीं दुकान खोली थी, अभी तो वो खर्च नहीं हो रहा। ऐसा है क्या? है तो ऐसा ही। वो जीवन में उन्होंने जो अर्थ पुरुषार्थ किया और उसके फलस्वरूप अब धर्म पुरुषार्थ भी किया और मर्यादित होकर के अपने जीवन यापन किया, इसलिए उन लोगों को 9 निधियाँ, 14 रत्न और 84 हाथ घोड़े और हाथी वैभव इस प्रकार का था। एक कहाँ से आया? सरकार को सोचना चाहिए और उनकी इस वैभव कहाँ से आया। सरकार का ही कर्तव्य होता तो बताया। जिन्होंने अतीत काल में जितने भी नारायण हो, प्रतिनारायण हो और बलदेव हो, चक्रवर्ती हो और तीर्थंकर हो, ये जो हुए हैं, ये सारे के सारे पूरे जीवन में मर्यादित जीवन जिया है और कठिन तपस्या की है, उसके फलस्वरूप ये मिलता है। इसलिए आप लोगों को, या कभी छत्री जो है ना अपने हाथ में तराजू बांट, फिर भी बांटते रहते हैं। इतना धन है, इतनी निधियां हैं, बांटते बांटते हुए भी जीवन पर्यंत रहे तो भी वह निधियां थोड़े से भी नीचे की ओर नहीं आती। खाली होना तो बहुत दूर की बात है। क्यों ऐसा होता? इसको बोलते हैं अपार निधि। जब तक ये पुण्य था तो वो मिला, यदि पुण्य का स्रोत समाप्त हुआ कुछ नहीं मिलेगा। और वो पुण्य भी बहुत सोच समझ करके आपके पास आता है, परिक्रमा लगा करके, नहीं तो यूं ही देख करके चला जाता है, ये योग्य नहीं है ये। इस प्रकार ऐसे होने के उपरांत भी इस जीवन में भी उन्होंने उसको छूने का ताक कर रखा था। लेकिन जो व्यक्ति अमर्यादित होकर के धन संपदा रखता है उसकी ओर निगाह रखते थे। सुन रहे हो? हाँ, राजा महाराजाओं की निगाह उस व्यक्ति की ओर रहती है, कौन अमर्यादित है और कौन मर्यादित है। मर्यादा का अर्थ हमारा भीतर के एक प्रकार से संयतपना है, उसको हम लांग नहीं सकते। मर्यादाओं को लांगने से क्या होता है? फिर हमें जो मिला हुआ रहता है वह भी हाथ से छूट जाता है, आप इसको बांध नहीं सकते। कर्म बंधा है, बंध गया, लेकिन भावों के द्वारा इसमें आंडो तब्दीली हो गई, परिवर्तन हो गए आप लोगों के भावों में, तो वह हीरा भी क्या बनता?
कोयला, और कोयला भी हीरा। चाहते हो आप चाहते हो हीरा चाहते ध्यान रखो, हीरे के पीछे पड़ने वाला व्यक्ति हीरा नहीं पा सकता। हीरे का दरवाजा कहां से है ये पहले देख लो। आपके भावों के ऊपर कोयला और हीरा दोनों ही चीज है, इसलिए आचार्य कहते हैं ये महापुरुष कहलाते हैं। और जो महापुरुष यहाँ रहता है तो वहां तक तो देव लोग भी आकर के अपने अर्थ से दिखाना प्रारंभ कर देते हैं। और सारी सारी रक्षा आदि आदि वो अपने द्वारा करते रहते हैं और बताते नहीं हैं। समय पर यह सब कुछ होता रहता है जब तक तेरा पुण्य का बीता नहीं करार। देखो करार करके आए हैं, अनुबंध करके आए हैं, तब तक तो वह चलता है। किंतु उस करार में कोई अनुबंध में कोई कमी हो गई तो क्या होता है, फूट जाता है। फिर तो पाप का घड़ा फूट जाता है। ये पाप और पुण्य ये दोनों भावों की उपज है। भावों के माध्यम से इसका सब कुछ नियंत्रण चलता रहता है। भावों में जो ही कमी आ गई त्यों ही आप कितने भी उसकी रक्षा करो, कितने भी मेहनत करो, तालीम करो, वो कभी भी बढ़ नहीं सकता बिल्कुल, किंतु धीरे धीरे घटना प्रारंभ करता। उस समय आपको आंखों में पानी आ जाएगा, ये घट क्यों रहा है, तुम्हारे घट में परिणाम बिगड़ रहे हैं इसलिए इस घट में घटाव आ रहा। घटाव और बढ़ाव बाहर बाजार में नहीं किंतु अपने ही मन की गलियों में ये खेलता रहता है। ये भाव बाहर से नहीं आते, भीतर से पैदा किए जाते हैं। इसलिए आप लोग जो कुछ भी कार्य धार्मिक कर रहे हो वह पुराण पुरुषों को याद करके हमें चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है। अर्थ पुरुषार्थ के बिना होता नहीं, लेकिन इन लोगों ने अर्थ पुरुषार्थ ही नहीं किया। किंतु अर्थ पुरुषार्थ जो कर रहे हैं वो ठीक ठाक कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये शासन का विषय है। इसलिए ऐसा शासक ऐसा शासन धरती पर राष्ट्र में हो जिसके द्वारा क्षेमं सर्व प्रजानां। इस प्रकार ऋषि होकर के भी प्रजा के क्षेम के बारे में सोचती रहती है। इसी प्रकार राजा और चक्रवर्ती आदि भी हमेशा सोचते रहते हैं जनहित के बारे में। सोच करके समय समय पर वो अपना कर्तव्य करते रहते हैं। ये आज उन महापुरुषों के अभाव होने के कारण ही आप लोगों को जो विषमता दिख रही है अथवा उदारता में कमी आ रही है, कर्मठता में कमी आ रही है, श्रम को केवल दुख का कारण मान रहे हैं, ये सब हम लोगों की शिक्षा इत्यादि में या संस्कार की पद्धतियों में कमी का परिणाम है। आज कोई भी श्रम नहीं करना चाहता जबकि श्रवण परंपरा के उपासक हो। श्रवण परंपरा में तो श्रम ही किया जाता है, श्रवण ही उसको बोलते हैं। तो श्रम करते रहते हैं सही दिशा में और सही समय पर योग्य कदम उठा करके उस कर्तव्य का प्रारंभ करके निष्ठापन भी करते हैं। अपने जीवन में भी इसी प्रकार आप लोग पुराण पुरुषों को स्मरण में लाते हुए करना चाहिए। इसलिए बाजार का भाव बाजार में रहता है,
किंतु आपके घट में जो बाजार है उसमें आ जाता पहले, तो अपने आप ही पानी का उतार और चढ़ाव चलना प्रारंभ हो जाता है। वर्षा काल में वर्षा होती है तो वह नदी का प्रवाह अगले साल तक, जब तक श्रावण और भाद्रपद नहीं आए तब तक तो वह बहाव धीरे धीरे प्रवाह चलता रहता है। नदी का प्रवाह कहीं कहीं पर सूखता सा नजर आता है, लेकिन वह ऊपर नहीं दिखता किंतु भीतर से सजल रहता है और सजग रहता है। उसके खोदा खोदी करने से पानी का स्रोत वहाँ तक मिलेगा जहाँ तक सागर नहीं आता। तो सागर से नदी का अनुबंध हमेशा हमेशा बना रहता है। बरसों यदि अकाल भी पड़ जाए तो भी वह अंतर जला के रूप में चलता रहता है, तभी वह प्रवाह ताज़ा बना रहता है। आप लोगों का भी धार्मिक अनुष्ठान हमेशा चलता रहेगा, तो यह बिना मांगे भी और बिना चाहे भी, बिन चाहे बिन जांचे, हाँ धर्म ये धर्म ऐसा है, कल्प वृक्ष कामधेनु और चिंतामणि से भी ऊपर वाला है। कल्पना करने से कल्प तरु कल्प वृक्ष आपके लिए फल आपकी योग्यता के अनुसार देते हैं। कामधेनु इसी प्रकार कामना करने से वो देते हैं। चिंतामणि रत्न चिंता करने से वह रत्न भी आपके लिए फल देते हैं। किंतु धर्म एक ऐसे कामधेनु है, धर्म एक ऐसा कल्प वृक्ष है, धर्म एक ऐसे चिंतामणि रत्न है जो बिन जाचे बिन चिंतवे, बिना चिंतन के बिना कल्पना के बिना मांगे भी आपको देने के लिए तैयार होता है। उस समय में भी धर्मात्मा वो कहता है हम ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि धर्म का अर्जन तो हमने किया, हम मांगे क्यों? आना हो तो आ जाओ, खजाना भर जाएगा, बिल्कुल भरेगा, पक्का है। अब निकालते जाओ तो फिर भी वो बढ़ा ही रहेगा, लेकिन निकालना बंद करोगे तो वहीं कमी टिका रहेगा। ये पानी का स्रोत होता है, वह हमेशा हमेशा पानी की चरस चलती रही है तो वह पानी निकलता रहता है और बाहर निकाल करके खेत में सिंचाई के रूप में लिया जाता है। नहीं निकालता तो उस दिन उतना ही पानी बना रहता है। ले आप पुरुषार्थ करो, मांगने की बात न करो, यह गृहस्थों का कर्तव्य है। अहिंसा परमो धर्म।